सिफत है कि बड़ी मुश्किल से पहचाना जाता है, लेकिन जहां टैलेंट नजर आए, जहां तामीर नजर आए, जहां कंस्ट्रक्शन नजर आए, समझ जाइए कि हो ना हो यह बिहारी। इसलिए बिहारी भी पहचाना जाता है। बिहारी हर फील्ड में नजर आता है। भला हनफियत पूरी दुनिया में छाई हुई हकीकत है, लेकिन लेकिन जब इल्मे हदीस के हवाले से दुनिया का एक जायजा लीजिएगा तो बड़े बड़े हनफी, बड़े बड़े हनफियत के दावेदार उन्हीं हदीस की किताबों को पढ़ाते 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 सदियां गुजार देते हैं, जो दूसरे मसालिक की अहादीस को तकवीयत देने के लिए मुरतब हुई, मुनज्जम हुई। बिहार को यह फिक्र हुई कि बिलाशुबा इमाम बुखारी को सर पर रखेंगे, आंखों पर रखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। लेकिन एक मजमूआ तो ऐसा होना चाहिए जो इमाम अबू हनीफा के मसलक की ताईद में जमा करता हदीसों का मजमूआ। किसी को फिक्र ना हुई, बिहार को फिक्र हुई। और जब बिहार को फिक्र हुई तो एक छोटी सी कोशिश हुई। बिहार में भी कभी कभी बाहर से बेईमानी आ जाती है, बहुत से लोगों को उस छोटी ही कोशिश का ही नहीं, उससे बड़ा काम जो हुआ वो समझ में नहीं आ रही। तो छोटी कोशिश का नाम था आसारु सुनन, अल्लामा शौक नींदी। मैं बड़े फख्र से नाम लेता हूं, बगैर किसी तासुब के नाम लेता हूं। अहले इल्म की एक पहचान ये भी है कि वो मुतासिब नहीं होगी। अगर तासुब आ गया है, इसके मतलब यह है कि उसका दावा इल्म कहीं ना कहीं से तरक गया है, मरम्मत की जरूरत है।